गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एचआरटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम अपनी क्लास में सर्वनाम के प्रकारों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में सर्वनाम का प्रथम प्रकार था, जो था प्रथम पुरुष, उसमें हमने उसके उस भाग के बारे में जाना था कि किसे कहते हैं, और उसके जो भाग थे उनके बारे में पढ़ा था। आज हम सर्वनाम का द्वितीय प्रकार, जिसमें हम निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। किसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, तो आइए शुरू करते हैं। जिस सर्वनाम में दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों और घटनाओं, व्यापारों का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई वस्तु जो जैसे कि यह, वह, जो दूरवर्ती होता है या दूरवर्ती शब्द होता है, उसके लिए हम वह का प्रयोग करेंगे, और समीपवर्ती व्यक्तियों के लिए हम यह का प्रयोग करेंगे। जैसे यह मेरा घर है, वह आपका घर है या तुम्हारा घर है, यह मेरी किताब है, वह आपकी किताब है, तो इसमें यह और वह एक निश्चित सर्वनाम का प्रयोग होगा, उससे ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो किसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम? अभी हमने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा, अब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे हमें किसी व्यक्ति के बारे में पता नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति का अगर हमें नाम पता है, तो वो तो किस में आएगा? निश्चयवाचक में आएगा। और जब हमें किसी वस्तु या व्यक्ति प्राणी के बारे में पता नहीं होता है, तो वो अनिश्चयवाचक में आएगा। जैसे पानी में कुछ है, अब पानी में कोई वस्तु हो सकती है, पानी में कुछ मिलावट हो सकती है, लेकिन पानी में कुछ है, हमें पता नहीं है, लेकिन पानी में है। अब है क्या वो हमें नहीं पता है। बाहर कोई आया है, बाहर कोई आता है या जाता है, तो बाहर कोई गया है, आया है, अब कौन गया है, ये सिर्फ हमें उसका आभास हो जाता है, हमें किसी वस्तु का आभास हो जाता है। जैसे है, अब क्या है, कैसी है, वो हमें नहीं पता होता है, तो वो सब सारे किस में आएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। हमारा अगला प्रकार है प्रश्नवाचक। किसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो आइए देखते हैं। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति प्राणी, वस्तु आदि के विषय में प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति को लेकर, प्राणी को लेकर, वस्तु को लेकर कोई प्रश्न पूछते हैं, जैसे किस चीज की बनी हुई है, प्राणी जब वस्तु में, जैसे ये वस्तु है तो किस चीज की बनी हुई है, व्यक्ति है तो कहाँ जा रहा है, कहाँ से आए हो, क्या लाया हो, कौन है, कैसा है, तो हम जिस चीज के बारे में प्रश्न पूछते हैं, जिसके बारे में प्रश्न पूछते हैं, तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला हमारा प्रकार है संबंधवाचक प्रकार। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसने, जिससे, जो। जैसे देखिए, ये वही तस्वीर है जिसे तुम देखना चाहते हो, तो आपस में संज्ञा और सर्वनाम का क्या कर रहे हैं, संबंध बताते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का आखिरी प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। तो किसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, तो देखिए, जो सर्वनाम निज के लिए, निज का मतलब होता है स्वयं के लिए, खुद के लिए, निज के लिए अर्थात स्वयं अपने लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जो खुद के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ या करती हूँ, तो अपना काम हम खुद ही करते हैं, या ये मैं ये काम खुद कर लूंगा या कर लूंगी, तो ऐसे शब्द जो हमारे अपने लिए प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आज
हमने सर्वनाम के प्रकारों के बारे में पढ़ा है। आपको कॉपी वर्क करना है और कॉपी फिल करवानी है। थैंक यू।